हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज आप लोग के क्लास के लिए बोली गई थी और आज क्लास चलेगी भी, है ना। आज किसी कारणवश लाइव नहीं हो पाया, ना नेटवर्क इशू था, थोड़ा लाइव नहीं हो पाया, इसलिए आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल से हम लोग लाइव मिलेंगे, है ना। कल से हम लोग क्या होंगे, लाइव एकदम मिलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का वो क्या है, आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम लोग अभी तक 11 क्वेश्चंस, 11 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, है ना। अपना 12th स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी आपके सिलेबस खत्म होंगे, फिर आपको वन शॉट्स मिलेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, खत्म बवाल, है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं क्या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना। आखिर ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे, देखिए, अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल, अनियमित भूखंडों के क्षेत्रफल, अनियमित ठोसों के आयतन, नदियों के अनुप्रस्थ परिच्छेदों के क्षेत्रफल, है ना। और ऐसे क्षेत्रफल जिन्हें हम साधारण विधियों से ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। ऐसे क्षेत्रफल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, साधारण विधियों से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ निश्चित समाकल्य, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिनका समाकलन हम समाकलन की साधारण विधियों के प्रयोग से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन एक्स बाई एक्स 2 - 2x² 1/3 आदि के समाकलन, मतलब आप ऐसा समझिए ना कि जो इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, है ना, जो इंटीग्रेशन आप बड़े आसानी से नहीं कर पाएंगे, या जो लोग जो नॉन इंटीग्रेटेड होते हैं, है ना, उनको आप इन सब मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बड़ा मजेदार है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ही खास बात है कि मजा आ जाता है ना। जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई, है ना। इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मतलब क्या, जो अनियमित, मतलब ऐसी कोई आकृति हो जिसका मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना आपके लिए कितना आसान है, छोटी छोटी ट्राइंगल ऐसे 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 ऐसे, अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, तब खेल खत्म। अरे सर, ये तो आप खेल कर दिए, है ना, खेल कर दिए आप तो, है ना, बात समझ में आया। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं अनियमित आकृति। ऐसे मान लीजिए अनियमित आकृति में आपका ऐसे कोई आकृति बन जाए, है ना, ऐसे कोई आकृति बन जाए, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप सिंपल मेथड यूज नहीं कर सकते, तो उस जगह पे आप क्या यूज करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सिम्पसन 1/3 रूल, फिर पढ़ेंगे 3/8, फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, समलंबी नियम, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिम्पसन 1/3। देखिए सिम्पसन 1/3 की बात हम करते हैं और सिम्पसन 1/3 हम आराम से पढ़ते हैं उसको। देखिए सिम्पसन 1/3 को हम कैसे पढ़ने वाले हैं ना, टू फाइंड द इररेगुलर फिगर बाय सिम्पसन 1/3 रूल। हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिम्पसन 1/3 जैसे आपकी क्या है, कोई भी आकृति आप बना लीजिए, है ना, उसमें आप क्या करिए, उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में देखिए डिवाइड कर लिया गया, है ना, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हमने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया है, है ना, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया है। मान लिया है y1, y2, y3, y4, y5 है, एक एक सेक्शन का हम ले लिया है ऑर्डिनेट, है ना। और उस ऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, यूज करके कुछ बेसिक रूल्स के तहत यूज करके हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। क्या बोलते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल। नॉट टू वरी अबाउट दिस, है ना, हम लोग इस चीज को करेंगे, है ना, ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। आप इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं हम a = h/3, है ना, h/3 y1 प्लस जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप समझिए इसको, मैं इसको समझाता हूँ आपको, है ना। देखिए y1 प्लस y2n+1, मतलब जो पहला टर्म होगा वो और जो लास्ट टर्म होगा वो, है ना, जो पहला टर्म होगा वो और जो लास्ट टर्म होगा वो, प्लस 2 × odd 3, 5, 7, है ना, ऑड वाले टर्म्स को उसको लेंगे आप, ऑड वाले टर्म्स को, प्लस 4 × even। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 × odd + 4 × even h/3, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सिम्पसन 1/3 रूल। हम इसी का यूज करके क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है तो आप सिम्पसन का रूल क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे क्या, a = h/3। देखिए h/3, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 × even, है ना, प्लस 2 × odd 4 × even प्लस 2 × odd, आप इसी का यूज करेंगे, है ना, 4 × even प्लस 2 × odd का आप यूज करेंगे, फिर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए एक एक करके आप क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें देने के लिए है। कह रहा सिम्पसन के नियम का प्रयोग करके
नीचे दी गई बीमाओं से जमीन के खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी कोटियां 23, 19, 14, 11, 12.5, 16, 19, 20 और 20 दे रखा है, 16, 19, 20 और 20 दे रखा है। इसकी जो उभयनिष्ठ दूरी है वो 1.5 है। उभयनिष्ठ दूरी कितनी है आपकी? 1.5। उभयनिष्ठ दूरी मतलब h, h को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ दूरी। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ दूरी। h को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ दूरी। h को क्या बोलते हैं आपको? उभयनिष्ठ दूरी। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ दूरी h को बोलते हैं, ठीक है ना। तो h का यूज करेंगे हम किसके लिए? उभयनिष्ठ दूरी के लिए। तो h की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है कितना? h दे रखा है आपको 1.5। कितना दे रखा है आपको? 1.5, है ना। फर्स्ट टर्म कितना है आपका? फर्स्ट टर्म मतलब इसको आप एज्यूम कर लेंगे ऐसे, y1 से एज्यूम करेंगे y1, इसको आप एज्यूम करेंगे ये y2 है, इसे आप एज्यूम करेंगे आपका ये y3 है ना, इसे एज्यूम करेंगे आपका ये y4 है, इसे एज्यूम करेंगे आपका ये y5 है, ठीक है, इसे एज्यूम करेंगे आप y6 एज्यूम करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे ये y7 है, इसे एज्यूम करेंगे आप y8 है ना, y8, इसे एज्यूम करेंगे आप y9। क्या यूज करेंगे? y9, है ना, y9। सिंपल दिख रहा होगा आपको, y1 से लेके y9 तक चला हमने, है ना। तो सिम्पसन का एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? h बाई थ्री, h बाई थ्री, है ना। यहाँ क्या होता है? y1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कौन सा आपका? y9, लास्ट टर्म हो गया y9। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्लस 2 इंटू इवन, है ना, 2 इंटू इवन, 2 इंटू ऑड, क्या होता है आपका? 2 इंटू ऑड प्लस 4 इंटू इवन, 2 इंटू ऑड। ऑड मतलब क्या? 1 से स्टार्ट होने वाला, लेकिन आप यहाँ 1 ले चुके हैं तो दोबारा 1 नहीं लेंगे, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? y3, है ना, प्लस y7, है ना, प्लस y9 भी आपको ऑड ही है, लेकिन आप चूंकि यूज कर चुके हैं y9 तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे? आप रुक जाएंगे यहीं पे, आप क्या करेंगे? आप स्टॉप हो जाएंगे ना, y3 प्लस y7 आप क्या होंगे? यहीं पे सिंपली आप स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, है ना, 3 5 7, 5 भी है अपना कहीं, 4, हाँ 5 भी है ना, 5 भी है तो 5 भी रहेगा, है ना, y3 प्लस y5, है ना, y5 प्लस y7 प्लस y7, ठीक, ये हो गया। प्लस 4 इंटू इवन, प्लस 4 इंटू इवन मतलब क्या? अगर या इवन कोई टर्म पहले से ले चुके होंगे तब उसको नहीं लेंगे, उसके बाद वाला जो होगा उसे लेंगे, ना, अभी तक कोई इवन टर्म लिया नहीं गया है तो बाकी के टर्म्स को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे आपका हो जाएगा क्या? y2, है ना, प्लस y4, y4 प्लस y6, है ना, प्लस y8, है ना, प्लस y8, हमने इतना टर्म्स ले लिया, ले लिया, ठीक है। अब चलिए हम सभी को अलग अलग ऐड करते हैं, मतलब y1 प्लस y9 निकालते हैं ना, तो निकालते हैं, चलिए y1 प्लस y9 कितना है अपना, तो आप बता पाएंगे y1 की वैल्यू कितनी है? y1 आप देख पा रहे हैं 23, y9 आप देख पा रहे हैं 20, है ना, तो लिख लीजिए 23 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए 23 प्लस 20, तो कितना मिल जाएगा आपको? सिंपली ये 43, कितना मिल जाएगा? 43। यहाँ कोई दिक्कत आपको? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब अपने को क्या चाहिए? y3 प्लस y5 प्लस y7, तो ये भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, जो निकाल लिया उसको डब्बे में बंद कर देते हैं ना। अब हमको क्या चाहिए? y3 प्लस y5, है ना, प्लस y7 चाहिए आपको। अब आप देखिए क्या करेंगे आप, y3 कितना है आपका बताइए? 14 है, 12.5 है और 19, 14, 12.5 और 19, तो लिख लीजिए यहाँ पे आप 14 प्लस 12.5, है ना, प्लस 19, है ना, 14 प्लस 12.5 प्लस 19, ठीक, 14 प्लस 12.5 प्लस 19, है ना, एक मिनट। तो देखिए जरा 14 प्लस 12.5 प्लस 19, है ना, 14 प्लस 12.5 प्लस 19 आपको ऐड करना है। सिंपली आप ऐड करिए, कितना मिलेगा आपको? 45.5, कितना मिल जाएगा आपको? 45.5, आप लिख लीजिए 45.5, है ना, 45.5, सिंपली आपको मिल जाएगा 45.5, ठीक है। ऐसे आपको ऑड वाला टर्म मिल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? इवन टर्म लेंगे, क्या करेंगे आप? इवन टर्म को लेंगे, मतलब आपको क्या चाहिए था? वाई टू प्लस y4, है ना, प्लस y6, है ना, प्लस y8, है ना, 2, 4, 6, 8 था आपका। अब देखिए 2 वाला कौन सा? 19 प्लस 11 प्लस 16, ना, 19 प्लस 11 प्लस 16, लिखिए कितना हो जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको 19 प्लस
11 प्लस 16 है ना, 19 प्लस 11 प्लस 16, 19 प्लस 11 प्लस 16 ये अपना y2 है, ये y4 है, 19 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 20 है ना, प्लस 20 प्लस 20। अब आप इसको ऐड करना है सिंपली, अब जितने इवन टर्म है आप उसको ऐड कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको ये 66, कितना मिल जा रहा है आपको ये 66। बस आपको सब कुछ मिल चुका है, बस आपको आपके फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फिर से लिख लीजिए, h by 3, h क्या है आपका घनिष्ठ दूरी है ना दो सीक्वेंस के बीच की, जो भी सीक्वेंस दिया होगा आपका है ना। यहाँ क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट प्लस लास्ट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, लेकिन आप फर्स्ट प्लस लास्ट कभी मत लिखिएगा, इससे क्या कर देंगे आप गलती कर देंगे ना। जो भी आपका है उसको लिखिएगा, आपका क्या है y1 है प्लस y9 है ना, y1 प्लस y9 हो गया, प्लस 2 इंटू ऑड हो गया आपका, 2 इंटू ऑड, ऑड में क्या क्या मिलेगा आपको, y3 था है ना, y3 था प्लस y5 था प्लस y7 था है ना, प्लस 4 इंटू इवन था, इवन टर्म आप लीजिए जरा, इवन टर्म में क्या कह लेंगे आप, 2 हो गया आपका y2 प्लस y4 प्लस है ना y6 प्लस y8 है ना, ये सारे टर्म्स थे अपने कि नहीं थे बताइए। इसको आप क्लोज करके एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे आप, ठीक ना, सिंपल सी बात है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमको उम्मीद है किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस y8 है ना, ठीक। अब देखिए a इज इक्वल टू कितना, एच कितना है आपका 1.5 है, 1.5 बाई 3 हो गया आपका ये है ना। y1 प्लस y9 का मतलब क्या हो गया दोस्त, y1 प्लस y9 मतलब 43 था आपका, इसको आप लिख लीजिए 43, क्या लिख लीजिए 43, प्लस 2 इंटू y3 प्लस y5 प्लस y7 की वैल्यू कितनी, बड़ा ध्यान से करने वाली चीजें हैं ये, 45 प्लस 5, बहुत ध्यान से करने वाली चीजें हैं, 45 प्लस 0.5 है ना, प्लस 4 इंटू आपका ये कितना है y2 y4 y6 y8 है, ये देखिए कितनी वैल्यू है आपकी इसकी, y2 y4 y6 y8 की कितनी वैल्यू है, 66 है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 66 है ना, 66। अब आपने क्या करना है, इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना है, जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे है ना, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ये आपको मिल जाएगा 0.5 43, ये कितना है आपका 43 प्लस 45 मतलब 5 × 2 कितना मिल जाएगा आपको 91 प्लस 264 है ना, 91 है ना, प्लस ये कितना मिल जाएगा आपको 264। फर्दर जब आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे 0. इसको ऐड करके और मल्टीप्लाई करके, देन यू विल गेट 0.5 × 398, मतलब कितना मिलेगा आपको 0.5 × इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 398, क्या मिल जाएगा आपको 398, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर, द वैल्यू ऑफ योर आंसर इज 199 स्क्वायर मीटर है ना, 199.0 स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर स्क्वायर हो गया, जो भी हो गया आपका ये मिल गया आपको ना, स्क्वायर मीटर हो सेंटीमीटर हो जो भी होगा आप उसको सिंपली आप क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। यहाँ पे h की वैल्यू 10 है, देखिए 10 20 30 दिया ना, उभयनिष्ठ अंतराल कितना है, h आपकी वैल्यू 10 मिलेगा है ना, h की वैल्यू आपको 10 मिलेगी है ना, 10 मिलेगी आपको, हाँ h की वैल्यू 10 मिलेगी आपका, ये कितना बन जाएगा y1 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा y2 बन जाएगा है ना, ये वाली वैल्यू जो भी होंगी आपकी ये बन जाएंगी आपकी y3 बन जाएंगी, ठीक है, ऐसे ही ये वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी y4 बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सारी वैल्यूज को आप निकाल के इसने खुद ने आपको ये ट्राई करना है, आप इसे खुद ट्राई करें, ठीक है। चलिए इसे आप क्या करिए, खुद ट्राई करिए, चलिए जरा मैं देखता हूँ कैसे करते हैं, ऐसी वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी, 10 निकला है आप, ठीक है। बहुत गर्मी है, काफी प्यास लग रही है, आप भी लोग पानी नहीं पी के तैयार रहिए है ना, बहुत काम करना है हम लोगों को, ठीक है।
चलिए गर्मी में बच के रहिएगा। अब देखिए एक 80 डेसीमीटर चौड़ी नदी है ना, जिसके किनारे से है इतना गहराई मापी गई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है इसको, है ना। आपका उत्तर प्रदेश डिप्लोमा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, मैं ज्यादातर बोर्ड वाले क्वेश्चन ही कराता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए एच कैसे निकालेंगे आप, एच निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई एन। एन आप कुछ भी ले सकते हैं, एन आप पे डिपेंड करता है ना, एन आप पे डिपेंड करता है कि आप चार अंतराल लेना चाहते हैं, पांच अंतराल, छह अंतराल, जो भी आप लेना चाहते हैं वो एन आप पे डिपेंड करता है। एन आप जितना ज्यादा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप एन ऐसा चुनिएगा कि आपको इंटीजर वैल्यू मिल जाए, है ना। एन ऐसा चुनिएगा कि आपको क्या मिल जाए, इंटीजर वैल्यू मिल जाए सॉल्व करने के बाद। देखिए यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो अगर मैं कर दूं 80 माइनस 0/9 कर दूं, है ना, तो आपको क्या इंटीजर मिल जाएगा, नहीं ना, नहीं मिलेगा इंटीजर ना, तो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि आप आंसर तक पहुंचेंगे, अप्रॉक्स ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है ना, ये जो हमारा अनुमान वाला मेथड है ना, ये तो अप्रॉक्स आंसर देता है, तो जिसकी वजह से हम उस आसपास के आंसर को भी क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं सही, है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ये इंटीजर वैल्यू हमको मिल जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 के बजाय क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे ना, वो तो डिपेंड करता है, 9 के बजाय क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। मन करें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, कोई मसला नहीं है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम 9 तक गया है वैल्यू ना, इसलिए 10 नहीं लिया, उससे कम ले लिए, 8 ले लिए, है ना। अगर 10 होता तो अगर 9 से कटता तो 9 ले लेते, 10 होता 10 से कटता तो 10 ले लेते, कोई मसला नहीं था, इसलिए 8 से ले लिए। तो कितना मिल रहा है आपको, ये 10 है ना, अंतराल 10 मिला। वैसे भी आप देख रहे हो 0 से 10 के बीच में कितने गैप है, 10 का, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है ना। तो Y1 की वैल्यू कितनी आप बता पाएंगे, Y1 आपका देखिए हो रहा होगा 0, है ना। Y2 कितना मिल रहा है आपको, Y2 आपको मिल रहा है 4, ठीक है। ऐसे बताइए Y3 की वैल्यू क्या है आपकी, Y3 की वैल्यू क्या है आपको, Y3 मिलेगा 7, है ना। Y4 कितना मिल जाएगा आपको, 9, है ना। और Y5 कितना मिलेगा आपको बताइए, Y5 की जो वैल्यू है कितनी है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, Y5 आपका है 12, है ना। Y6 कितना है आपका बताइए, 15 हो गया, ठीक है। ऐसे ही Y7 लिख लीजिए, Y7 कितना हो गया आपका, 14 हो गया, है ना। Y8 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, Y8 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, है ना। और Y9 क्या हो गया आपका, Y9 जो हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है ना। तो आपको सिम्पसन यूज करना है, सिंपली आपको फर्स्ट और लास्ट लिखना होता है ना, एरिया फर्स्ट और लास्ट लिखना होता तो लिखिए आप H/3, है ना, H/3, फर्स्ट और लास्ट मतलब Y1 फर्स्ट था और Y9 आपका क्या था, लास्ट था, इनक्लोज कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2 × odd हो गया, 2 × odd मतलब कितना, 1 आप शुरू करना था odd से, लेकिन 1 ले चुके हैं, तो उसके बाद वो चुछ रिपीट करेंगे नहीं, तो क्या ले लेंगे आप, Y3 प्लस Y5, है ना, प्लस Y7, है ना, प्लस Y9 नहीं लेंगे, क्योंकि Y9 आप क्या कर चुके हैं, पहले ही ले चुके हैं, तो कहां पर रुक जाएंगे आप, Y7 पे रुक जाएंगे। प्लस 4 × even होता है, इवन टर्म मतलब कौन सा लेंगे आप, Y2 प्लस, है ना, Y2 प्लस Y4। कुछ किताबों में आपको Y0 से भी स्टार्ट करते हुए मिला होगा, है ना, कुछ किताबों में जो है वो Y0 से भी स्टार्ट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेंशन लेने जरूरत नहीं, आप Y1 ही कंसीडर करके करिए ना, यू विल गेट सेम आंसर, डोंट वरी, है ना। Y0 लेने की कोई जरूरत नहीं है, Y1 से ही कंसीडर करिए, मुझे कोई लेने देता है कोई दिक्कत होगी आपको, मैं खुद ही Y1 से ही बताता हूँ ना, 2, 4, है ना, बहुत जगह 0 भी लिया होगा, कोई मसला नहीं है, Y6, है ना, Y8, है ना, Y(8), ब्रैकेट क्लोज। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, Y1 प्लस Y9 चाहिए, तो निकालते हैं, चलिए Y1 प्लस Y9, Y1 प्लस Y9, है ना। तो अब देख पा रहे हैं Y1 कितना है आपका 0 और Y9 कितना है आपका 3, 0 प्लस 3, यहाँ लिख लीजिए 0 प्लस 3, व्हाट यू विल गेट, 3, है ना। कितना मिल गया आपको Y1 प्लस Y9, 3 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, ऑड वाला टर्म चाहिए, लिख लीजिए, है ना, Y3 प्लस, ठीक है, Y5 प्लस Y7, है ना, Y7 आपको इतना टर्म चाहिए था। Y3 कितना है आपका देखिए, Y3 आपका 7 है, ठीक है ना, 7 लिख लीजिए, Y5 12 है, 7 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस, है ना, Y7 कितना है आपका बताइए, 3 हो गया, 5 हो गया, Y7 कितना हो गया, 3, 5 और 7 कितना हो गया, 14, है ना, ये कितना हो गया आपका 14, ठीक है। सिंपली ऐड कर दीजिए इसको, तो 7 ये हो गया, प्लस 4 × 2 = 6, 1 × 1 = 26, है ना, तो ये कितना हो गया आपका 26 × 4 = 30, 33, है ना, 33, कितना हो गया आपका सिंपली 33, है ना, कितना हो गया आपका ये 33, तो Y3 प्लस Y5 प्लस Y7 यू विल गेट 33। उसके बाद आपको क्या चाहिए रहता, इवन टर्म चाहिए रहता है, तो क्या क्या मिलेगा आपको, Y2 प्लस, है ना, क्या चाहिए होता है आपको, Y2 प्लस Y4 प्लस, और क्या चाहिए आपको, Y6 प्लस Y8, है ना, इतने टर्म्स आपको चाहिए ही चाहिए,
इतने टर्म्स क्या चाहिए आपको, चाहिए ही चाहिए, सिंपली ऐड करते हैं। y2 कितना बताइए, y2 आपका है 4915 है ना, 4915 कट करिए, 4 प्लस 9 प्लस 15 लास्ट में कितना बच गया आपका, y8 बच गया, देखिए y8 बच जा रहा है आपका लास्ट में, y8 कितना है आपका 8 है, लिख लीजिए y8 आपका कितना हो गया 8 हो गया है ना। चलिए इसको ऐड करिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 4915 आप ऐड करेंगे है ना, और 836 कितना मिलेगा आपको, 36 है ना, 36 मिल जाएगा आपको, सिंपली 36 आप इसको लिख दीजिए। बाकी सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में इंक्लूड कर देंगे लाके, बस सिंपली यही करना है, सारी के सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं, आप फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। लिखिए a इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, h by 3, वापस से फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार वो तैयार होगा, y1 plus y9, y1 plus y9 plus 2 into odd, odd मतलब कितना स्टार्ट होगा आपका 3 से, प्लस 3 5 है ना, कहाँ तक जाएंगे 7 तक जाएंगे, क्योंकि आप 9 तक तो आपका लास्ट टर्म था, 9 ले चुका तो दोबारा उसको लेने की जरूरत ही नहीं है ना, प्लस 4 into even, प्लस 4 into even, even मतलब कितना जाएगा आपको बताइए, y2 plus y4 plus y6 plus y8 है ना, y2 4 6 plus y8 है ना, सिंपली ब्लॉक कर दिया आपने इसको, अब सारे के सारे वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। h मैंने आपको बता दिया 10 का डिफरेंस था, तो 10 by 3 हो जाएगा आपका, y1 plus 9 आपका कितना आया था 3 आया था, y1 plus 9 आपका कितना आया था 3 आया था है ना, और odd वाला टर्म 33 आया था, ये कितना हो गया आपका 3 plus 2 into, ये कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा है ना, प्लस 4 into 66 कितना था, 66 था, कितना था आपका 36 था, तो 36 लिख लीजिए, प्लस 4 into 36, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इजी है सिंप्लीफाई करना, a is equal to क्या मिलेगा आपको 10 by 3, a is equal to क्या मिलेगा आपको 10 by 3 है ना, 3 plus 66, 3 plus 66 plus 36 दो 72 दो 144 है ना, कितना हो गया आपका ये 144, 24 के 4 में 2, 4 के 12 2, 14 144 ठीक है ना, 144 सिंपल ये मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 10 by 3 into 213 है ना, 10 by 3 देखिए 10 by 3 into 213, 10 by 3 into 213, 10 by 3 into कितना मिल गया आपको 213, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 × 7 = 3, 710, 710 कितना मिल गया आपको 710, किसमें दिया था आपका डेसीमीटर में दिया था, तो वर्ग डेसीमीटर क्या हो जाएगा आपका ये वर्ग डेसीमीटर, क्योंकि सारी इकाई किसमें दिया था वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर है ना, वर्ग डेसीमीटर ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे सिमशन आपके बड़े इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आसानी से बना लेंगे। अब देखिए एक पेड़ के सिरों से एक्स दूरियों पर नापे गए क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिए हैं, सिम्पसन के नियम से पेड़ का आयतन ज्ञात करिए, कुछ नहीं करना सिंपल, आपको आयतन ज्ञात करना है, एरिया दे रखा है, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा है ना, एक बार क्या कर देंगे आप इंटीग्रेट कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा, इसे बोलते हैं अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये किस तरह का क्वेश्चन है, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, अनियमित 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 आकृतियों का अनियमित अनियमित है ना, अनियमित आकृतियों का अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, हम क्या करेंगे अनियमित आकृतियों का जो क्षेत्रफल है ना हम वो निकालेंगे ना, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमारा अगला टॉपिक क्या होगा इसी में, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना किसका यूज करके, सिम्पसन 1/3 का यूज करके। तो देखिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो वॉल्यूम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप, इंटीग्रेट कर देंगे ए टू बी, क्या करेंगे आप इंटीग्रेट इसको ए टू बी है ना, ए टू बी मतलब ए वाला ये हो गया आपका इनिशियली और बी वाला वो हो जाएगा लास्ट वाला ना, आपका ए टू बी ए डी एक्स, ए टू बी ए डी एक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको वॉल्यूम मिल जाएगा ना, ए टू बी ए डी एक्स नहीं मिलेगा बताइए, ए से बी करेंगे तो वॉल्यूम आपको इजिली मिल जाने हैं ठीक है, तो वही करते हैं, चलिए कर लेते हैं, ए से बी, ए से बी में कैसे निकलेगा वैल्यू आपका, एच पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको एच निकालना पड़ेगा, एच निकालने का डिफरेंस देख लीजिए कितने का, 20-20 का डिफरेंस है कि नहीं है, सब में 20-20 का डिफरेंस है कि नहीं बताइए, 20-20 का डिफरेंस है तो एच आपको मिल गया 10 20, एच कितना मिल गया आपको 20, ये वाला टर्म क्या मिलेगा आपको बताइए वाई वन मिल जाएगा है ना, 120 मतलब क्या हो गया आपका वाई वन हो गया, मैंने बताया कि आप उसको वाई वन से इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आपका कितना हो गया बताइए वाई टू हो गया ठीक है,
ये कितना हो गया आपको बताइए, y3 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया आपका y ऑफ 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका y5 हो गया, ये कितना हो गया आपको बताइए y6 हो गया, ये कितना हो गया y7 हो गया, ये कितना हो गया आपका y ऑफ 8 हो गया, है ना, ये कितना हो गया आपका y ऑफ 9, है ना। दो चीजें हमारी मिल गई y1 से y9 तक। अपने को जब सिम्पसन यूज करना होता है, मतलब एरिया, हमको क्या करना है यहाँ पे वॉल्यूम निकाला ना, अभी क्या करना है अपने को वॉल्यूम निकाला, तो ए नहीं लिखेंगे वहां, क्या लिखेंगे वॉल्यूम भी, क्या लिखेंगे वॉल्यूम भी, है ना, वॉल्यूम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे वॉल्यूम भी। अब भी लिखने के बाद हम क्या करेंगे बताइए, भी लिखने के बाद क्या करेंगे हम, सिंपली वही फॉर्मूला यूज करेंगे एच बाई थ्री जो सिम्पसन का यूज होता है, वाई वन, है ना, वाई वन मैक्सिमम कहां तक गया है, वाई नाइन तक, सब नाइन तक ही जा रहा है क्या, वाई नाइन ये चला गया आपका, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तब तो टू इंटू ऑड हो गया आपका, ऑड मतलब कितना, वन ले चुके हैं तो थ्री से स्टार्ट होगा, थ्री प्लस, है ना, फाइव प्लस सेवन, क्योंकि नाइन भी आता है लेकिन नाइन पहले ही लिखा जा चुका है यहाँ पे, इसीलिए नहीं लिखा गया, है ना, प्लस फोर इंटू इवन कितना हो जाएगा आपका, फोर इंटू इवन, है ना, फोर इंटू इवन लेंगे अब, इवन मतलब कितना, टू फोर सिक्स एट तक जाएंगे, है ना, टू फोर सिक्स एट तक, तो कितना लिख देंगे आप, वाई टू प्लस वाई फोर प्लस, है ना, वाई फोर प्लस वाई सिक्स प्लस वाई एट, है ना, y6 plus y8, ठीक है ना। चलिए हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। अपने क्या चाहिए, y1 plus y9 चाहिए, तो निकालते हैं, चलिए y1 है ना और y9 अपने को निकालना है, प्लस कर देते हैं y1 plus y9, बताइए y1 plus y9 क्या मिलेगा आपको, y1 कितना है आपका 120 plus 177, है ना, 120 plus 177 ऐड कर लीजिए, 120 plus 177 मतलब कितना मिलेगा आपको, 120 मैं आपको 177 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना मिलेगा आपको 79 और 297, कितना मिल गया आपको y1 plus y9 297, है ना, कितना मिल गया आपको y1 plus y9 297। उसके बाद क्या आपको मिलेगा y3 y5 y7, चलिए इसको ऐड करिए, क्या क्या आपके पास है y3, है ना, y5, ठीक है, y7, इन तीनों को आपको ऐड करना है फाइनली, चलिए ऐड करिए, y3 के लिए बताइए कितना है, 129, 139, तो यहाँ लिखिए कितना 129, ठीक है, 139, ठीक है। उसके बाद क्या आपका y7 है ना, y7 देखिए क्या आपका y7 है 142, इसको लिख लीजिए 142, इसका क्या लिख पाएंगे 142, इसे आप ऐड कर दिए सिंपली, है ना, 9 9 18 2 20 0 हाथ में आया 2 4 3 7 2 9 2 11 1 हाथ में आया 1 3 1 4 410, कितना मिल रहा है आपको 410 वैल्यू मिल रही है ना आपको, 410 मिल रहा है, ठीक है, 131 कर लीजिए, है ना, इसको क्या कर लीजिए आप 131 करिए, और ये कितना आपका 141 है, क्या आपका ये 142 है, सॉरी 142, उसको भी सही कर लीजिए थोड़ा, है ना, 142, ठीक है, 142 है, तो 9 10 12 402, है ना, 402 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 402 मिल जाएगा, ठीक है, 402 मिल गया। अब आपका जो ऑड वाला टर्म था वो ऐड हो गया, इवन टर्म चाहिए आपको, मतलब 2 चाहिए, 4 चाहिए, है ना, फिर क्या चाहिए आपको 6 चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको 8 चाहिए, ये सारी वैल्यूज चाहिए, फिर इसको काउंटर ब्लॉक करते हैं, 2 4 6 8 की वैल्यू लिखते हैं, क्या है 2 की वैल्यू कितनी है 123 है, लिख लीजिए 123, यहाँ पे 123 लिख लीजिए, 123 के बाद क्या है दोस्त आपका 123 के बाद है आपका 4 चाहिए आपको, 131 हो गया, कितना हो गया 131 हो गया, 131 हो गया, मैं सही किया 131 हो गया ना, 131 हो गया। 4 के बाद क्या चाहिए 6 चाहिए आपको, मतलब 135 हो गया, क्या हो गया 135 हो गया, लिख लीजिए यहाँ पे 135 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 135 के बाद क्या है 6 के बाद क्या रहेंगे आप 6 के बाद आप चूज करेंगे 8 मतलब 156, है ना, 156 यहाँ पे लिख लीजिए 156, साइन इसको ऐड करा दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ओवरऑल, इसको ओवरऑल आप ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा आपको 545, व्हाट विल यू गेट 545, 545 आपको मिलेगा, तो यहाँ लिख लीजिए 545, ठीक है, यहाँ कितना लिख पाएंगे आप 545, ठीक। अब सिंपल क्या करना है आपको, बस सिंपल सिम्पसन यूज कर लेना है, क्या सा सिंपल हमको फॉर्मूला, बी इक्वल टू कितना मिला था आपको एच बाई थ्री, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, यहाँ सिंपल लिख देते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया आपका, है ना, प्लस 2 into odd प्लस 2 into odd प्लस 4 into even, ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है 4 into even। भी एच कितना था आपका दोस्त, एच था आपका 20/3, 20 था आपका एच, देखिए 10 10 20 का अंतराल था, 10 और 20 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है 20 का, 30 और 50 के बीच में 20 का डिफरेंस है, 50 70 के बीच में 20 का डिफरेंस, 70 90 के बीच में 20 का डिफरेंस, 90 10 के बीच में 110 के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो सब में आपको 20 20 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना,
सिंपली आप क्या लिख पाएंगे इसको, आप 20/3 है ना, 20/3 लिख पाएंगे। फर्स्ट टर्म आपको लास्ट टर्म ऐड किया था तो कितना मिला आपको, 297 मिला, 297 यहाँ पे फ्लिक कर दीजिए, लिख दिया प्लस 2 इंटू ऑड है, ऑड वाला टर्म कितना मिला आपको, 402 मिला, 2 इंटू 402 कर दीजिए मतलब 402 कर दीजिए, ठीक है। प्लस 4 इंटू इवन क्या हो गया आपका, 4 इंटू इवन, इवन वाला टर्म कौन सा आपका, इवन जो टर्म आपका है कितना, 545 है, कितना है 545, पर नॉर्मली इसको भी लिख लीजिए 545 है, कुछ करना ही नहीं है ना, 545 इसको भी आप क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया ना। इसको फर्दर आप सॉल्व करिए टोटली है ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा 21/3 आपको ये आंसर मिलेगा है ना, इसमें जो भी आपका दिया होगा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी आपको मिलेगा घन मात्रा क्या होगा, क्यूब यूनिट में क्या मिलेगा आपको, क्यूब यूनिट या फिर घन मात्रक आप लिख सकते हैं, क्या कहते हैं घन मात्रक है ना, घन मात्रक आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी आपको इसमें ना, बेसिक सा एक टर्मिनोलॉजी है एंड इजीली आप इसको सॉल्व कर पा रहे, कोई डिफिकल्टीज नहीं है ना, नॉर्मल क्वेश्चन को हमें यूज करना है, नॉर्मली हमें डील करना है, बस एक एक करके देखते जाना है कितना हमको डिफरेंस मेरा क्या कितना है, एच हमारा कितना है, कितने अंतराल तक हम जा रहे हैं, कितनी वैल्यूज को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, और कितने को हम आगे चल के और देखेंगे, बस सिंपली आपको इतना ही देख लेना, दैट्स इट, और उसके बाद सॉल्व कर लेना है ना। तो मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा इसमें दिक्कत है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद वाला है ना, किसी बिंदु ओ से, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा है ना, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा ना। सेम ऐसा क्वेश्चन एक बार, सेम जो है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन एक बार, मतलब ये तो आप डिप्लोमा में पढ़ ही रहे हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन बीटेक में एक बार पूछ दिया गया था ना, तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था, तो मैक्सिमम लोगों ने गलती किया था ना, मैक्सिमम लोगों ने क्या कर दिया था, उसको गलत कर दिया था। तो सेम यही क्वेश्चन आपका डिप्लोमा में भी उसी टाइप का दिया हुआ है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क किया, क्योंकि मेनी पीपल्स डन रॉन्ग वे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको गलत तरीके से डील किया था, मैं नहीं चाहता कि आप उसको गलत तरीके से डील करें, आप सही करें, मुझसे पढ़ रहे हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए आपका है ना, कुछ तो फायदा आपका क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि सिंपल इसको हम लोग डील करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या निकालना है, लगा समय ज्ञात करना है आपको, क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो बताइए समय कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डीएस अपॉन डीटी, आपको डीटी निकालना है, डीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/v डीएस, लेकिन आपको टाइम चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको है ना, तो 1/v ds बस खत्म बात आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/v ds, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, v दिया है तो आपको 1/v निकालना पड़ेगा है ना, 1/v निकालना पड़ेगा है ना। तो ये आपका y1 नहीं है, y1 is equal to कितना हो जाएगा आपका, y1 is equal to 1/47 है ना, 1/47, y2 is equal to कितना हो जाएगा आपको बताइए, 1/58 कितना हो जाएगा, 1/58। तो एग्जाम में आपको करने के लिए, इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए ना, आप अपने यूनिवर्सिटीज में, सॉरी आप अपने डिप्लोमा के जो भी कॉलेज होंगे आपके, या तो आप किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे होंगे या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे होंगे ना, तो आई होप आप वहाँ पर जाइएगा, अपने जो भी टीचर होंगे उनसे पूछिएगा कि सर क्या कैलकुलेटर हमारा अलाउ है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के आप इतने लंबे कैलकुलेशन को आप नहीं कर सकते है ना, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे तभी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे अपना y1 कितना है बताएगा कोई, y1 आपका कितना हो गया, देखिए y1 हो गया आपका यहाँ पे 1/47 है ना, 1/47 एंड द वैल्यू ऑफ 1/47 इज कितना मिलेगा, मेरे पास कैलकुलेटर है ना, मेरे पास कैलकुलेटर मैं कर देता हूँ, 1/47 आपको मिलेगा 0.021 है ना, कितना मिलेगा आपको 0.02127 है ना। y2 is equal to कितना मिलेगा आपको 1/58 ना, 1/58 नहीं करना अपने को ना, s से मल्टीप्लाई नहीं, s तो आपका h निकालने के लिए दिया, कितने का डिफरेंस है 10 का, h आपका 10 का मिल जाएगा ना, 10 का डिफरेंस है, h आपको 10 मिल गया ना, अंतराल जो आपको कितना मिल जाएगा, सिंपल सी बात है 10 मिल जाएगा, ठीक है ना। y2 आपका कितना हो गया 1/58 है ना, 1/58 कर लेते हैं, 1/58 यू विल गेट 0.0 0.0 1724 है ना, 1724। अब आपको y3 चाहिए होता है तो y3 निकाल लेते हैं, तो y3 कितना मिलेगा आपको 1/64 कितना मिल जाएगा 1/64, तो कितना हो जाएगा आपका 1/64
यू विल गेट 0.015 है ना, 0.015625625 है ना। दशमलव के बाद आप तीन अंक तक मत लिखिएगा, चार अंक तक लिख लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ना, चार अंक तक लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मन करेगा कैलकुलेटर होगा तो पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा, पांच अंक तक लिख लीजिएगा ना, लेकिन ज्यादा मत लिखिएगा है ना। वाई थ्री हो गया आपको, ऐसे ही वाई फोर आप निकालेंगे, वाई वन वाई टू वाई थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री और वाई फोर, मतलब कितना जाएगा आपको 1/65, कितना जाएगा आपको 1/65, 1/65 यू विल गेट 0.015, 0.01538 है ना, 1538, 0.01538 है ना। ऐसे आप निकालेंगे क्या, वाई फाइव, वाई फाइव वन टू थ्री फोर और फाइव, मतलब 1/61, 1/61 ये कितना मिल जाएगा आपको, 1/61 यू विल गेट 0.01639 है ना, 1639 ऐसे मिल जाएगा आपको, कितना वाई सिक्स मिल जाएगा आपको 1/52 है ना, 1/52 कितना मिलेगा आपको, 1/52 यू विल गेट कितना मिल रहा है आपको देखिए 0.01923 है ना, 1923 सिक्स मिल गया आपको। फिर आप वाई सेवन निकाल लीजिए, कितना कर देंगे आप 1/38 है ना, 1/38 कितना मिल जाएगा आपको, 1/38 कितना मिल रहा है आपको 0.026 है ना, 0.02631 है ना। सिंपल सी बात है, आपको इस साइड टर्म्स आराम से इजीली मिल जा रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, सिंपल सा चिंदी सा है, आराम से आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, खेल खत्म है ना, 0.02631 है ना, सिंपल सा लॉजिस्टिक है यार, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को डील करते चले जाना है, बस अब आपको वही फार्मूला लिखना है, ऐड करना है, बस खत्म, बस बेसिक अलजेब्रा है ना। इसका क्या आपका बेसिक अलजेब्रा ही है, निकालना क्या है आपको, टाइम निकालना है, यहाँ पे लिख दीजिए टाइम टी, टाइम टी इज इक्वल जो निकालना है उसी बराबर लिख देते हैं एच बाई थ्री है ना। लास्ट आपका कितना है वाई वन प्लस वाई सेवन है, आई थिंक वाई वन प्लस वाई सेवन लिख लीजिए, वाई वन प्लस वाई सेवन है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस टू इंटू ऑड, ऑड वन से स्टार्ट होगा लेकिन वन पहले लिख चुके हैं, सेवन में लिख चुके हैं तो वन और सेवन के बीच में जो भी ऑड होगा लिख लेंगे ना। वाई थ्री प्लस वाई फाइव कितना जाएगा आपका, वाई थ्री प्लस वाई फाइव ठीक है, प्लस फोर इंटू इवन, फोर इंटू इवन, इवन में कितना जाएगा आपको बताइए टू है ना। बीटेक में ना आपको इसका प्रूफ भी पढ़ना पड़ेगा, वो सिक्स है ना, टू फोर सिक्स, ये क्या कर दिया आपने क्लोज, कुछ कुछ जगह पढ़ना पड़ता है, कुछ कुछ जगह नहीं भी पढ़ना पड़ता है ना, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका टीचर ने कह दिया कि इसका प्रूफ नहीं देंगे एग्जाम में फिर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, कह दिया कि देंगे फिर पढ़ना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है ना यार कोई नहीं है ना, कोई नहीं यार, कोई दिक्कत होगा तो मैं तो हूँ ही ना, मैं बता दूंगा है ना। 10/3 हो गया आपका ये, चलिए वाई वन प्लस वाई सेवन ऐड करिए कितना मिलेगा आपको, वाई वन प्लस वाई सेवन कितना है बताइए, वाई वन आपका है 0.02 और y7 आपका 0.0263, चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं हम, y1 प्लस y7 डायरेक्ट ऐड करते हैं हम लोग है ना, y1 प्लस y7, y1 कितना अपना 0.02127 प्लस y67 की वैल्यू कितनी है 0.0263 कितना मिल रहा है आपको 0.04757 0.04757 ठीक है ना, प्लस 2 y3 प्लस y5 ऐड करना लिखिए, y3 प्लस y5, y3 कितना है आपका 0.015625 प्लस 5 ऐड करना है 0.01639 ऐड हो गया, कितना मिला आपको 0.0320 आप लिख लीजिए आप क्या 0.0320 है ना, प्लस 4 कर दीजिए आप, प्लस क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, फोर करने में बाई टू, टू फोर सिक्स ऐड करना ना, टू फोर सिक्स ऐड, टू कितना आपका 0.0724 प्लस 24 मतलब 0.01538 प्लस, फिर क्या ऐड करना है आपको 246 ऐड करना है 0.01923 कितना मिल रहा है आपको 0.05185 लिख लीजिए आप 0.05185 है ना, 5185 अगर सब कुछ कैलकुलेशन ठीक ठाक है, कहीं भी कोई एरर नहीं इसमें अगर किया हो कैलकुलेशन में, तो आपका सीधे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10/3, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 1.04 सेकेंड, कितना मिल जाएगा आपको 1.04 सेकेंड है ना, 1.04 सेकेंड है ना, 1.04 सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क किया हूँ आपके लिए,
वहां ध्यान रखिएगा कि आपको वहां पे 1/v कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन की, है ना। अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन है ना, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है। इंटीग्रेशन है ना, अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्त। अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे ना, इतना बारीकी से इस चीज को पढ़ लेंगे ना कि फिर कभी ये दिक्कत ही नहीं देगा। बीटेक में जब तुम लोग जाओगे तुम लोग यार सर बताए थे वही चीज, मजा आ गया है ना, तो ऐसा कुछ फील आएगा तुमको वहां पे, है ना। बड़ा मजे की बात यही है ना, एकदम गजब फील आएगा। तुम इलेक्ट्रिकल में पढ़ो या ईसीई में पढ़ो, चाहे सिविल में जाओ चाहे मैकेनिकल में जाओ, ये तुमको मिलेगा पढ़ने के लिए ना। अगर CSIT नहीं लेते हो तो यू विल गेट दैट थिंग्स, है ना। बड़ा मजेदार चीज है यार, मतलब सोचो यार कि मतलब तुम किसी ऐसी आकृति का या फिर किसी ऐसे स्ट्रक्चर का तुम एरिया निकाल पा रहे हो ना जिसको आप इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, मतलब सिंपली इंटीग्रेशन से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसका एरिया कैलकुलेट करो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपके लिए, है ना। ये गुड मैथमेटिक्स, इतनी अच्छी मैथमेटिक्स की फील आएगी कि आप किसी भी चीज का एरिया निकाल पा रहे हैं इजिली। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, है ना। चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं अप्रोक्स इंटीग्रेशन पे। इसमें आप याद रखिए h जो निकलेगा आपका b-a/n होगा, n क्या होगा, भागों की संख्या, क्या होगी, भाग की संख्या, मतलब कितने भाग में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा भाग में आप डिवाइड करेंगे उतना अच्छा होना चाहिए, लेकिन भागों को डिवाइड करने पर क्या मिलना चाहिए आपको, कोई इंटीग्रेशन सॉरी क्या कहते हैं उसको, ऐसा टर्म मिलना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो ना, इंटीग्रेट टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना क्या है। सिम्पसन के नियम का प्रयोग करके 1 to 5, देखिए 1 से 5 के बीच में कितना भाग है, 1 से 2, 2 से 3, है ना, 3 से 4, है ना, 4 से 5, कितना भाग हो रहा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, कुल कितने भाग हो रहे हैं आपके, 4 भाग, है ना। का मान 5 कोटियां लेकर दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करिए। आपको 5 कोटियां लेना है, मतलब y1 y2 y3 y4 y5 कितना लेना है, 5 को लेना है आपको कोटी, कितना कोटी लेना है आपको, 5 कोटी लेना है। तो h कैसे निकालेंगे आप, h निकालेंगे आप b-a, मतलब 5-1, है ना, 5-1 डिवाइडेड बाय n, कितने भाग आ रहे हैं 1 से 5 के बीच, 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 से 5 के बीच में कुल कितने भाग आ रहे हैं आपके, 4 भाग आ रहे हैं, लिख लीजिए आप 4, कितना मिलेगा, देखिए 4/4, है ना, 4/4=1, देखिए कितना सिंपली h की वैल्यू कितनी मिल गया आपको, 1, h आपको 1 मिल गया आपका। अब आपको कोटियां निकालनी है, है ना, तो x1 कितना हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा आपका ये 1, जो 1 था जो स्टार्टिंग हुआ a वाला पॉइंट 1, है ना, इसको बोलते हैं a, क्या बोलते हैं a। x2 कितना हो जाएगा आपका बताइए, a+h, कितना हो जाएगा, a+h, a कितना आपका आया 1, प्लस h कितना आया आपको बताइए, h आया आपका 1, मतलब कितना मिल गया आपको 2। ऐसे आप x3 निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे आप, a+2h, कितना निकालेंगे, a+2h, है ना, क्योंकि आप अंतराल में बांटे हैं ना, इस बार इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसको आप ऐसे ही करेंगे ना, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इंटीग्रेशन लगा के, तो आपको x1 निकालना होगा, उससे करस्पॉन्डिंग y1 निकालना होगा ना। तो x3 कितना हो जाएगा, a+2h, मतलब 1+2 कितना मिल जाएगा आपको, 3, है ना, 1+2 कितना मिल जाएगा आपको, 3, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे आप x4 निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, x4 निकाल लीजिए, कहां तक चलेंगे आप, 5 तक, क्योंकि 5 कोटियां निकालनी है ना आपको, याद रखिए 5 कोटियां, मतलब 5 तो चाहिए ना, y1 y2 y3 y4 y5, है ना, तो x कितने चाहिए आपको, 5। x क्यों निकालना है सर, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है ना, इसलिए x1 भी कैलकुलेट कर रहा है ना, उसी x1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग पुट करके उसकी कोटी निकाल लेंगे, x1 करस्पॉन्डिंग y1 निकाल लेंगे, x2 करस्पॉन्डिंग y2 निकाल लेंगे, x3 करस्पॉन्डिंग y3 निकाल लेंगे, है ना, सिंपल एक एक करके हम क्या कर लेंगे उसको, हम लोग अप्रोक्सीमेट करके निकाल लेंगे। चलिए इसको और आगे देखते हैं, x4 कितना हो जाएगा आपको बताइए, a+3h, कितना हो जाएगा, a+3h, ये कितना हो गया आपका, 1+3, मतलब कितना मिल गया आपको, ये 4, सिंपल सी बात है, आपको कितना मिल गया, ये भी आपको मिल गया, ये 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा आपका, x5 कितना हो जाएगा बताइए आपका, x5 हो जाएगा आपका a+4h, a+4h, है ना, a+4h, मतलब 1+4 कितना हो गया, 1+4 कितना मिल गया आपको, 5, ठीक है, कितना मिल गया आपको, 5। अब इसी करस्पॉन्डिंग आपको y1 निकालना है ना, तो आपको पता है y1 y = कितना दिया है, इंटीग्रेशन कितना दिया आपको, √x-1/x, है ना, 1 से 5 कितना दिया है, इंटीग्रेशन x-1/x ही तो दिया है, x-1/x क्यों ही दिया ना, x-1/x, यानी कि आपको निकालना है कि किसका यूज करना है, x-1/x का। तो y1 आप जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, √x1-1/x1, तो x1 कितना है आपका, मतलब 1 था ना इस बार, 1-1/1 कितना मिल गया आपको, 0, तो y1 तो आपका 0 आ गया,
वाई टू आप निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, अंडर रूट एक्स टू है ना, अंडर रूट एक्स टू माइनस वन अपॉन एक्स टू है ना, एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, अंडर रूट कितना आएगा आपको, एक्स टू कितना आया था टू माइनस वन बाई टू, मतलब चार में से क्या तीन बटा दो मतलब 1.5, अंडर रूट 1.5 मतलब कितना आएगा आपका ये 1.22, सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको 1.22 है ना, 1.22। ऐसे ही वाई थ्री आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या करेंगे ऐसे ही आप वाई थ्री कैलकुलेट करेंगे। जब आप वाई थ्री कैलकुलेट करिएगा तो कैसे निकालिएगा बताइए, वाई थ्री कैलकुलेट करेंगे सेम करेंगे आप क्या करेंगे, अंडर रूट है ना, अंडर रूट एक्स थ्री माइनस वन अपॉन एक्स थ्री, एक्स थ्री माइनस वन अपॉन एक्स थ्री मतलब कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो कितना मिल जाएगा आपको, नौ में से क्या आठ बटा तीन, अंडर रूट आठ बटा तीन मतलब कितना 1.63, 1.63 ठीक है। ऐसे आप बाई फोर कैलकुलेट जब करेंगे सेम प्रोसेस है, बाई फोर कैलकुलेट करेंगे तो बाई फोर कितना मिलेगा आपको, बाई फोर मिल जाएगा आपको कितना, अंडर रूट फोर माइनस वन बाई फोर, अंडर रूट फोर माइनस वन बाई फोर मैंने कर रखा है इसलिए मैं इसका सोल्यूशन लिख पा रहा हूँ ना, फोर माइनस वन बाई फोर का आंसर कितना जाएगा आपका 1.93, कितना जाएगा आपका ये 1.93 है ना। ऐसे ही बाई फाइव निकाल लीजिए आप सिंपली बस है ना, लास्ट क्वेश्चन आज का ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग लगाएंगे है ना। बाई फाइव निकाल लेते हैं भाई साहब है ना, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे है ना, देखते हैं बाई फाइव देखिए कितना होगा आपका, बाई फाइव कितना बन जाएगा आपका, अंडर रूट फाइव माइनस वन बाई फाइव कितना जाएगा, फाइव माइनस वन बाई फाइव है ना, फाइव माइनस वन बाई फाइव, सिंपल सी बात है, फाइव माइनस वन बाई फाइव आपका ये बन जाएगा ठीक है। फाइव माइनस वन बाई फाइव तो कितना मिल जाएगा, वो पच्चीस में से एक गया चौबीस बटा पांच, चौबीस बटा पांच मतलब कितना हो गया आपका 2.19, कितना हो गया 2.19, लिख लीजिए आप इसको 2.19 है ना। आपको सब मिल गया, सारा चीज मिल चुका है आपको, एच भी मिल चुका है, आप सिम्पसन वन बाई थर्ड आपको क्या करना, सिंपली आपको फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना ना। लिखिए इंटीग्रेशन वन टू फाइव है ना, वन टू फाइव उसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स था कोई फंक्शन जो भी था उसको एफ ऑफ एक्स मान लिए, कितना जाएगा आपका ये एच बाई थ्री, एक से पांच तक गए आप तो वाई वन प्लस वाई फाइव, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला वाला वाई वन था लास्ट वाला वाई फाइव था, प्लस टू इंटू ऑड, टू इंटू ऑड मतलब कितना हो गया आपका थ्री हो गया बस, प्लस फोर इंटू इवन, इवन में कितना जाएगा आपका वाई टू प्लस वाई फोर है ना, वाई टू प्लस वाई फोर बस इतना ही आएगा और तो कुछ आ नहीं सकता है ना। एच कितना मिला है आपको बताइए, वन मिला था, वन बाई थ्री हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई फाइव है ना, वाई वन प्लस वाई फाइव ऐड करो जीरो प्लस 2.19 तो 2.19 हो जाएगा आपका, कितना जाएगा 2.19 लिख लें यहाँ पे, 2.19 हो गया, प्लस टू इंटू वाई थ्री, वाई थ्री कितना है भाई आपका, वाई थ्री जो दे रखा है सिंपल दिख रहा होगा आपको 1.63, कितना दिख रहा है 1.63 लिख लीजिए आप 1.63 है ना, प्लस फोर इंटू कितना जाएगा आपका y2 प्लस y4 कितना आपका y2 प्लस y4 है ना, y2 प्लस y4, y2 कितना है आपका बताइए 1.22, 1.22 प्लस y4 कितना है आपका 1.93 कितना हो गया 3.15 कितना मिल गया आपको 3.15 लिख लीजिए आप 3.15 कितना मिल गया आपको 3.15 सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 1/3 आपको ये मिल गया है ना, प्लस कितना हो गया 2.19 इंटू प्लस 6.01 तो ऐसे ऐसे हम करेंगे यूज करके निकालेंगे है ना। तो सिम्पसन वन बाई थर्ड भी हम लोग लगभग लगभग पढ़ ही लिए, दो क्वेश्चन और आपका इसमें रह गया है ना, वन थर्ड में मैं दो क्वेश्चन और करा देता हूँ ठीक है। चलिए जैसे अंतराल एक दो को चार बराबर भागों में बांटकर एक से दो dx by x का मान निकालना है आपको। चार देखिए उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में दो बार आया हुआ है ना, चार बराबर भागों में बांटना है आपको, h कितना हो जाएगा आपका b माइनस a बाई एन है ना, b की जगह कितना लेंगे जो बड़ी वैल्यू होगी यानी 2-1 डिवाइडेड बाई एन कितना जाएगा 4 आपका, h कितना आ गया आपका 1/4, h कितना मिल गया आपको 1/4 बस खत्म बात, h कितना मिला आपको भाई 1/4, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें ठीक है ना। अब चलिए x1 निकालिए जरा आप, तो x1 निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, log x निकालना है ना आपको, log 2 क्यों निकालिए ना, log 1/x निकालना है आपको ना, तो x1 कितना हो जाएगा आपका बताइए, x1 जो होगा आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा आपका a plus h, कितना हो जाएगा आपका a plus h,
और यही ए है, यही क्या है आपका ए है, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, वन प्लस एच मतलब वन बाई फोर, वन प्लस वन बाई फोर कितना मिल जाएगा आपको, वन प्लस वन बाई फोर मतलब मिल गया कितना आपको, फाइव बाई फोर कितना मिल जाएगा आपको, ये फाइव बाई फोर, ठीक है फाइव बाई फोर मिल गया। एक्स थ्री कितना मिल जाएगा आपको, ए प्लस टू एच कितना मिल जाएगा आपको, ए प्लस टू एच मतलब ए कितना हो गया, वन प्लस टू बाई फोर मतलब थ्री बाई टू कितना मिल जाएगा आपको, ये थ्री बाई टू। एक्स थ्री कितना मिल गया आपको, थ्री बाई टू। ऐसे ही अगर आप एक्स फोर कैलकुलेट करते हैं, एक्स फोर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, वन प्लस थ्री एच कितना मिलेगा, वन प्लस थ्री एच निकालिए जरा, वन प्लस थ्री बाई फोर मतलब सेवन बाई फोर कितना मिल गया आपको, देखिए सेवन बाई फोर कितना मिल गया आपको, सेवन बाई फोर मिल गया। एक्स फोर चार ही भागों में बांटना था, चार भागों में हमने क्या कर लिया, बांट लिया, एक दो तीन चार है ना, चार भागों में बांटना है। एक्स टू के लॉग ई टू की वैल्यू निकालनी है, निकटतम मान निकालना है आपको, है ना। तो चार बराबर भागों में बांटे हैं तो एक से दो के बीच में जाना है आपको, तो अभी तक दो मिला क्या यहाँ पे, एक्स फाइव टू मिलना चाहिए ना, तो एक्स फोर पे जाओ, एक्स फाइव पे जाओ कितना मिल जाएगा, वन प्लस फोर एच कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर एच, क्योंकि एक से लेके दो तक गए हो ना, तो देखो वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ, एक से बढ़ना शुरू हुआ, कहाँ तक जाओगे, दो तक, जब तक दो नहीं मिल जाएगा तब तक ये प्रोसेस करते रहोगे, है ना। पांच तक आए, नहीं दो मिलता तो छह तक जाते, वन प्लस कितना जाएगा तुम्हारा, फोर बाई फोर है ना, फोर बाई फोर कट कूट गया कितना मिला, टू है ना, तो कितना मिला आपको, एक्स फाइव कितना मिल गया आपको, टू, एक्स फाइव कितना आ गया आपका, सिंपली टू आ गया, खेल खत्म, टू आ गया है ना, तो ऐसे आपका निकल गया। अब चलिए वाई वन निकालिए, तो वाई वन कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन एक्स है कितना है, वन अपॉन एक्स वन, वन अपॉन एक्स वन मतलब कितना, वन है ना। वाई टू कितना हो जाएगा बताइए, वन अपॉन एक्स टू, वन अपॉन एक्स टू, एक्स टू मतलब कितना है आपका, फाइव बाई फोर मतलब फोर बाई फाइव कितना हो गया आपका, देखिए फोर बाई फाइव, ठीक है ना, फोर बाई फाइव हो गया। ऐसे वाई थ्री निकालिए, वाई थ्री कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन टू बाई थ्री है ना, वन अपॉन एक्स थ्री, वन अपॉन एक्स थ्री मतलब कितना हो गया दोस्तों आपका, टू बाई थ्री है ना, टू बाई थ्री हो गया। ऐसे जरा आप बाई फोर कैलकुलेट करें, जब आप बाई फोर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बाई फोर मतलब वन अपॉन एक्स फोर हो गया आपका, वन अपॉन एक्स फोर, वन अपॉन एक्स फोर मतलब कितना हो गया, फोर बाई सेवन कितना हो गया आपका, ये फोर बाई सेवन। ऐसे ही फाइव कैलकुलेट करेंगे आप, फाइव कैलकुलेट करेंगे तो वन बाई फाइव कितना हो जाएगा आपका, वन अपॉन एक्स फाइव मतलब कितना मिल गया आपको, वन बाई टू कितना मिल गया आपको, ये वन बाई टू, सिंपल सी बात है, आपको वन बाई टू मिल गया, ठीक है दोस्त। चलिए अब आप सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कहाँ तक गए आप, फाइव तक, सिम्पसन लगाइए चुपचाप, सिम्पसन लगाएंगे आप तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन वन टू टू वन बाई एक्स डी एक्स है ना, वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, एच बाई थ्री है ना, एच बाई थ्री। सर यहाँ तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल कर लेते हैं ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट लिखने के बजाय हम क्या लिख लें, वो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट हम लोग कर लेते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बट क्या करते हैं ना कि कभी कभी सन्निकट मान निकालने के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस रूल है ना, सन्निकट मान निकालने के लिए क्या देता है, तो हमको अप्लाई करना पड़ता है ना। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है ना कि आपका रियल से कितना डिफरेंस है ना, रियल से कितना डिफरेंस है, तो चीजों को थोड़ा दोनों करना पड़ता है ना। एच बाई थ्री हो गया आपका, ये कितना जाएगा आपका, वाई वन प्लस वाई फाइव हो जाएगा, वाई वन प्लस वाई फाइव हो गया, प्लस टू इन टू ऑड हो गया मतलब वाई फाइव मतलब कितना, वाई थ्री हो गया आपका ऑड में है ना, प्लस फोर इन टू इवन, इवन मतलब कितना हो गया आपका, वाई टू प्लस वाई फोर है ना, वाई टू प्लस वाई फोर, बस बवाल खत्म, क्लोज आउट हो गया है ना। अब ये कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारा, वन से लेके टू, वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स डी ऑफ एक्स है ना, एच का मतलब कितना आपका, वन बाई थ्री, फोर था तो वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा, कितना जाएगा, वन बाई ट्वेल्व। वाई वन प्लस वाई फाइव जब आप ऐड करेंगे, वाई वन प्लस वाई फाइव आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, वन पॉइंट फाइव जीरो कितना मिल जाएगा आपको, वन पॉइंट फाइव जीरो है ना, प्लस टू इन टू वाई थ्री, वाई थ्री को जब आप सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो वाई थ्री मिलेगा आपको जीरो पॉइंट सिक्स सेवन, जीरो पॉइंट सिक्स सेवन करिएगा आप, 0.67 प्लस 4 मैंने कर रखा है, इसे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं ना, y2 प्लस y4 को जब आप ऐड करेंगे, जो वैल्यू आप पीछे निकाले हैं उसको ऐड कर मिलेगा आपको 1.37, कितना मिलेगा आपको 1.37 है ना। फाइनली इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब फाइनली इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.693, 0.693 कितना मिलेगा आपको, 0.693 ये आपको मिला। अब अपने आंसर को आपको चेक करना पड़ेगा है ना, चेक करना पड़ेगा कितना डिफरेंस है डायरेक्ट वाले से, डायरेक्ट मेथड कर लीजिए फॉर चेक है ना, फॉर चेक जब भी इस तरह क्वेश्चन करना रहेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, वन से टू वन बाई एक्स डी एक्स है ना, वन बाई एक्स डी ऑफ एक्स है ना, चेक करना पड़ेगा कितना मिल जाएगा आपको, लॉग एक्स मिल जाएगा, लॉग एक्स मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक मिल करना होगा, वन से टू तो कितना हो गया आपका, लॉग टू है ना, कितना हो गया आपका, लॉग टू माइनस लॉग वन है ना, लॉग टू माइनस लॉग वन है ना, याद रहे बेस इसका कितना है, ई है, ध्यान रखना ना, लॉग टू की वैल्यू कितना जाएगी आपके, 0.693, बेस आपका कितना है टू, यानी एल एन है, ये क्या है, एल एन टू, एल एन टू 0.693 है ना,
0.693 ये log नहीं है, ये ln है, याद रखना नेचुरल log है, बेस उसका e है, मतलब क्या रखोगे ln, क्या रखोगे ln 2, कैलकुलेटर में क्या रखोगे ln 2, क्या रखोगे ln 2, ठीक है। 0.693 इसमें कितना आ रहा था, 0.693 लगभग लगभग सेम आ रहा था, है ना। तो ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आप लोग जो है होमवर्क में ट्राई करेंगे, है ना। इसे क्या करेंगे आप, HW में करेंगे आप, और तुलना करो आ गया ना, जो क्या आ गया तुलना करो, मतलब क्या करोगे डायरेक्ट इंटीग्रल, जो भी आंसर निकालोगे सन्निकट वो तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ क्या करोगे फॉर चेक वाला मेथड ना, डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करके भी देखोगे, ठीक है। तो आई होप आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लासेस को ही रोकते हैं, है ना, बाकी ये क्लासेस हम लोग जो है कल कवर करेंगे ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, करिएगा। तो सिम्पसन 1/3 जो है आपका आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, है ना। सिम्पसन 1/3 क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे सिम्पसन 3/8, है ना। वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, एग्जांपल में आपको करेंगे, होमवर्क में करेंगे, जो भी आप समझिए ना, होमवर्क में करेंगे उस क्वेश्चन को, फिर आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा धीरे धीरे कंप्लीट, है ना। 3/8 हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके बाद आपका जो 12th का पार्ट 1 है वो खत्म हो जाएगा, फिर 12th का पार्ट भी हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तब तक आप लोग इसको लगाइएगा, धन्यवाद, है ना।